Hello students, welcome back to my channel. So in the previous video we have already covered that what kind of design of experiment is suitable for what kind of situation. We have already covered, okay, we have covered CRD, RBD, factorial RBD, LST, split plot, strip plot design. Okay, so last class mein hum log discuss kiye the ki hum jaise field experiment kar liye, uske baad hum data acquire kar liye, observation le liye, उसको एनालिसिस कैसे करना है इन ओपीस्टैट. ओपीस्टैट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना डाटा एनालिसिस कर सकते हैं. ओके, सो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है, सर थ्री फैक्टर एनालिसिस कैसे करें. ओके, सो व्हाट इज थ्री फैक्टर एनालिसिस. थ्री फैक्टर एनालिसिस, ओके, जहां पे हम लोग का हम तीन फैक्टर लेते हैं, कंसिडरेशन में लेते हैं एक साथ, हम तीन फैक्टर उसमें एक्सपेरिमेंट डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट लेते हैं, तीन फैक्टर को वहां पे इंक्लूड करते हैं, तो फिर उसका जो इंटरेक्शन इफेक्ट या फिर उसका जो विद इन ट्रीटमेंट विद इन फैक्टर्स जो इफेक्ट है हमको जानने के लिए थ्री फैक्टर एनालिसिस करते हैं. तो क्या पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, एक तो हो सकता है फैक्टोरियल आरबीडी में हम कर सकते हैं, जहां पे हमको ऐसे सिंपली जैसे पी के एंड एन पी के का डिफरेंट डोजेस हो गया, या फिर जहां पे हम लोग को लार्जर प्लॉट साइज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और तीन फैक्टर को हम लोग को एक साथ वहां पे फिट करना रहता है, तो वहां पे हम लोग फैक्टोरियल आरबीडी ले सकते हैं. उसके बाद और एक है स्प्लिट डबल स्प्लिट डिजाइन. ओके, यहाँ पे भी हम लोग थ्री फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं. यहाँ पे कैसे लेआउट बनेगा, जैसे इसको किस कंडीशन में हम अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे हम लोग को जैसे दो फैक्टर को हम एक फैक्टर को इनमें से जो स्प्लिट डिजाइन है, यहाँ पे अगर हम थ्री फैक्टर ले रहे हैं वहां पे एक फैक्टर को हमको लार्जर प्लॉट साइज की रिक्वायरमेंट है. लार्जर प्लॉट साइज इन द सेंस सपोज हम लोग टिलेज कर रहे हैं या फिर इरिगेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको स्मॉल एरिया में हम कन्फाइन नहीं कर सकते, तो फिर वहां पे हमको स्प्लिट यूज करना पड़ेगा. स्प्लिट में जो मेन प्लॉट फैक्टर है, जिसको लार्जर प्लॉट चाहिए होता है उसको मेन प्लॉट फैक्टर बोलते हैं, और इसको उसके बाद जिसको और थोड़ा सा स्मॉल जिसको इसी के अंदर रैंडमाइज करना रहता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट प्लॉट फैक्टर. उसके बाद सॉफ्ट प्लॉट के अंदर जिसको रैंडमाइज करना है, जिसको डिवाइड करना है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट प्लॉट फैक्टर. ये सबसे छोटा सा प्लॉट है और इसका जो एक्यूरेसी है, ये सबसे छोटा सा प्लॉट है, इसका जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज्यादा है. ओके, सॉफ्ट सॉफ्ट प्लॉट का. ओके, यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करेंगे, मेन चीज तो यहाँ पे हम लोग मेन प्लॉट सॉफ्ट प्लॉट इंटू सॉफ्ट सॉफ्ट प्लॉट का ये जो इंटरेक्शन, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. उसके बाद हम लोग का आ गया स्प्लिट स्ट्रिप. ओके, ये भी हमारा थ्री फैक्टर एनालिसिस में सुइटेबल है, थ्री फैक्टर एनालिसिस करने के लिए. लेकिन इसमें दो कोई भी दो प्लॉट को हमको मतलब लार्जर प्लॉट साइज की अगर जरूरत हो कोई भी दो फैक्टर को, तो फिर यहाँ पे हम लोग स्प्लिट स्ट्रिप या स्ट्रिप स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, राइट. सो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसको देखते हैं कैसे हम ओपीस्टैट में ट्रिपल फैक्टर का एनालिसिस करें. ओके, सो यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया M1, M2 एज हमारा जो मेन प्लॉट फैक्टर है. सो M1 में हम लोग ले लिए कंजर्वेशन टिलेज, राइट. कंजर्वेशन टिलेज मतलब जो क्लीन टिलेज, जो नॉर्मल टिलेज हम लोग करते हैं. उसके बाद हम लोग ले लिए मिनिमम टिलेज, जिसमें हम डिफरेंट मशीनरी यूज करके डिग्लिंग करते हैं या फिर मतलब रेसिड्यू को रहने देते हैं, हम लोग टिलेज अवॉइड करते हैं और हम लोग जितना कम हो सके टिलेज करके वहां पे हम लोग सोइंग करते हैं. तो वहां पे एक मेरा टिलेज हो गया मेन प्लॉट में, एक कंजर्वेशन टिलेज और एक मिनिमम टिलेज हो गया, राइट. उसके बाद हम लोग सब प्लॉट में लेते हैं S1, S2 एंड S3 सब प्लॉट, ठीक है. ये मेन प्लॉट हो गया, ये सब प्लॉट हो गया. यहाँ पे हम लोग तीन लेवल्स लेते हैं, इस सब प्लॉट फैक्टर में हम लोग तीन लेवल, ये सॉरी लेवल है, यहाँ पे मेन प्लॉट फैक्टर है, ये लेवल है, राइट. यहाँ पे टिलेज है, मेन प्लॉट फैक्टर. लेवल्स क्या क्या है, कंजर्वेशन टिलेज, मिनिमम टिलेज. यहाँ पे सब प्लॉट फैक्टर है हमारा नाइट्रोजन डोज. ओके, ये सब प्लॉट फैक्टर है. तो यहाँ पे हम लोग S1 में असाइन कर देते हैं सपोज N0, S2 में सपोज N30 kg, S3 में सपोज N60 kg. सो ये हो गया आपका लेवल्स ऑफ सब प्लॉट फैक्टर. देन सब सब प्लॉट लेते हैं, राइट. सब सब प्लॉट में हम लोग SS1 जो कि वेराइटी 1 है, SS2 जो कि वेराइटी 2 है. तो ये हो गया सब सब लेवल्स, सब सब फैक्टर का दो लेवल है, ठीक है. तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, टोटल ट्रीटमेंट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या होगा, मेन प्लॉट इंटू मेन प्लॉट लेवल्स नंबर ऑफ लेवल्स इंटू सब प्लॉट का नंबर ऑफ लेवल्स इंटू सब सब प्लॉट का नंबर ऑफ लेवल्स. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2,
तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट जो कॉम्बिनेशन आएगा वो हो जाएगा 12, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगा 12। तो इसका जो है एम वन, सपोज टी वन यहाँ पे असाइन कर देते हैं, टी टू ऐसे करके टी 12 तक आ गया, एम वन एस वन एस एस वन, ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट वन, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनाया गया एम वन एस वन एस एस वन, राइट। उसके बाद एम वन एस वन एस एस टू, ऐसे करके हम लोग का टी 12 क्या आ जाएगा, एम टू एस थ्री, एम टू एस थ्री एस एस टू, राइट। ऐसे इसका कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो फिर ऑब्जर्वेशन हम जो लेंगे यहाँ पे, सपोज हम लोग कोई भी पॉल्स क्रॉप लेते हैं और उसमें इसको टिलेज असाइन करते हैं, उसमें नाइट्रोजन का डिफरेंट डोजेस असाइन करते हैं और एक सबसे प्लॉट में हम लोग वेराइटी लेते हैं। तो वहां पे टिलेज कंडीशन में सपोज यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कैसा रहेगा कि ये वेराइटी इस कौन सी डोज में और कौन सी टिलेज प्रैक्टिस में बेस्ट मतलब परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे जो हमारा सपोज ग्रीन ग्राम ले लिया है उसका यील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे साइड में हम लोग यील्ड लिख देते हैं तीनों रेप्लिकेशन के लिए या दो रेप्लिकेशन जो भी है। तो हम लोग अभी स्विच ओवर करते हैं एक्सेल शीट में और वहां से मैं आपको डेटा दिखाऊंगा और वहां से हम लोग स्विच ओवर करेंगे ओपी स्टैप में और वहां पे हम लोग एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे जो थ्री फैक्टर एनालिसिस है, राइट। सो लेट्स स्विच ओवर टू द एक्सेल शीट, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक्सेल शीट में आ चुके हैं, यहाँ पे आप एक बार जूम कर लेते हैं इसको, यहाँ पे आप डेटा देख लीजिए, यहाँ पे यील्ड ऑफ ग्रीन ग्राम इन टन पर हेक्टर मेंशन है और यहाँ पे जो है हमारा मेन प्लॉट M1 एंड M2 में जैसे बताया था कंजर्वेशन टिलेज एंड जीरो टिलेज, यहाँ पे सब प्लॉट में S1 S2 S3 जैसे नाइट्रोजन का डोज बताया था N0 लाइक 0 केजी 30 केजी 60 केजी, हालांकि इतना नहीं लगता ग्रीन ग्राम में बट इट्स ओके फॉर एग्जांपल इट्स ओके। सो सब प्लॉट में जैसे सब सब प्लॉट में एक हमारा सब सब प्लॉट का लेवल वन था लेवल टू था जहां पे हम लोग वैरायटी दो वैरायटी चूज किए थे। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ऐसे बनेगा 12 कॉम्बिनेशन एम वन एस वन एस एस वन एम वन एस वन एस एस टू लाइक दैट अप टू एम टू एस थ्री एस एस टू, राइट। सो यहाँ पे रेप्लिकेटेड डेटा है आर वन आर टू आर थ्री, ये अपने मन से मैं बैठाया हूँ तो फिर इसका कोई मतलब रियलिटी के साथ कोई मतलब नहीं है, राइट। तो अभी अभी हम लोग क्या करेंगे इसको ओपी स्टार्ट में एनालिसिस करके इंटरप्रेट करेंगे, सो देखते हैं कैसे हो रहा है वो चीज। सो स्टूडेंट्स हम लोग ओपी स्टार्ट ओपन कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे वन फैक्टर एनालिसिस टू फैक्टर एनालिसिस और थ्री फैक्टर एनालिसिस है और यहाँ पे हम लोग थ्री फैक्टर एनालिसिस में क्लिक करेंगे और वहां से मैं कॉपी कर लिया हूँ वो डाटा एक्सेल शीट से, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ इसको। So, ये था हमारा रेप्लिकेटेड डेटा ये जो R1, R2, R3 का है, तो इसको हम सबमिट कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग का लेवल फैक्टर वन में जो दो लेवल था कौन सी लेवल, जैसे हम लोग टिलेज लिए थे कंजर्वेशन कन्वेंशनल टिलेज एंड मिनिमम टिलेज जीरो टिलेज, ओके। तो यहाँ पे दो लेवल लेवल था इन फैक्टर वन और फैक्टर टू में हम लोग का जो नाइट्रोजन डोज था तीन लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन डोज था और फैक्टर थ्री में हम लोग का दो वैरायटी था, राइट, जो सब सब प्लॉट में असाइन किए थे हम लोग। तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेप्लिकेशन हमारा कितना है तीन, तो थ्री है तो यहाँ पे थ्री लिख लेते हैं और स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेट यहाँ पे कितना सेट कैरेक्टर हम लोग ले रहे हैं, कितना ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, एक ही ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं जो कि यील्ड का, ओके। सो वन लिख देता हूँ और यहाँ पे हम लोग का जो असाइन किए थे हम लोग स्प्लिट स्प्लिट प्लॉट असाइन किए थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टिलेज यूज कर रहे हैं जिसके लिए लार्जर प्लॉट साइज चाहिए और वहाँ स्प्लिट स्प्लिट प्लॉट ही सुइटेबल है और यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कोई जरूरत नहीं है और एनालाइज करते हैं इसको। तो ये आ गया आपका इंटरेक्शन टेबल, मतलब थ्री वे इंटरेक्शन टेबल, यहाँ पे फैक्टर वन जो मेन प्लॉट है ए वन ए टू बी वन बी टू बी थ्री बी वन बी टू बी थ्री ये असाइन किया गया है जैसे सब प्लॉट और सी वन सी टू है सब सब प्लॉट, ये हो गया ए एंड बी का जो मीन टेबल। अगर हम लोग को इंटरेक्शन देखना है कि जो मेन प्लॉट फैक्टर एंड सब प्लॉट फैक्टर के बीच में तो फिर ये टेबल आपको वो चीज बताएगा और ये है ए और सी। अगर मेन प्लॉट और सब सब प्लॉट के बीच में देखना है आपको इंटरेक्शन और रिलेट करना है तो फिर ये चीज आपको बताएगा ये टेबल। उसके बाद बी और सी सब प्लॉट एंड सब सब प्लॉट के बीच में अगर आपको इंटरेक्शन देखना है तो फिर ये टेबल आपके लिए। उसके बाद ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, राइट, ये एनोवा टेबल है जहां पे सोर्स ऑफ वेरिएशन डिग्री ऑफ फ्रीडम सम ऑफ स्क्वायर मीन सम ऑफ स्क्वायर एफ कैलकुलेटेड एंड एफ टैबुलेटेड वैल्यू है। और ये हो गया आपका जो जैसे फैक्टर ए का सी डी एस सी डी एस सी एम, ये फैक्टर बी का सी डी एस सी डी एस सी एम। तो यहां से हम लोग जैसे इंटरप्रेट करने के लिए कोशिश करते हैं, राइट।
तो ये हो गया हमारा टेबल, इंटरेक्शन टेबल, और यहां से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे सीडी यहाँ पे एनए दिखा रहा है, मतलब इसका मतलब फैक्टर ए में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे हम लोग कंजर्वेशन टिलेज करते हैं और जीरो टिलेज करते हैं, उस केस में हम लोग का ये एक हाइपोथेटिकल में डेटा दिखाया। ऐसे तो वैसे तो होना चाहिए डिफरेंस, बट इट्स ओके, इट्स फॉर एग्जाम्पल ओनली। सो फैक्टर ए जो मेन प्लॉट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी यहां से इंटरप्रेट क्या होगा कि हमारा जो, अगर हम ग्रीन ग्राम केस में अगर हम नाइट्रोजन डोज लेके दोनों वेराइटी में हम एक कंजर्वेशन टिलेज, एक कन्वेंशनल टिलेज करते हैं और एक जीरो टिलेज करते हैं, तो फिर कोई डिफरेंस नहीं है उस केस में। और फैक्टर बी में देखिए यहाँ पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जैसे यहाँ पे सी डी लिखाया है, मतलब इसके इसका मतलब है सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो फिर हम फैक्टर बी के तरफ चलते हैं, जहां पे भी फैक्टर बी हो। हाँ, तो यहाँ पे जैसे मीन वैल्यू बी है, यहां से हम लोग देख सकते हैं। तो अगर जैसे फैक्टर बी में 0.489, 0.587 और 0.631, तो यहां से जो हाईएस्ट वैल्यू है 0.631 से हम लोगों को माइनस करना है 0.043। तो जितना भी वैल्यू आया, अगर वो वैल्यू से ये हाईएस्ट वैल्यू तक उसी रेंज में कोई भी डेटा रहा, जैसे सपोज उसी वैल्यू में, सपोज उसी वैल्यू के रेंज में ये 0.587 रहता है, तो ये दोनों हो जाएगा 8 बार। ये दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तो आप बोल नहीं सकते हैं ये कि इसका वैल्यू हाईएस्ट है। अगर इससे ये सिग्निफिकेंटली हायर है, मतलब जो सीडी वैल्यू नेगेटिव माइनस करने के बाद उससे भी कम आता है B1 का जो वैल्यू है, मीन वैल्यू, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये B3 इज सिग्निफिकेंटली हायर देन B1, राइट? So, ऐसे इंटरप्रेट होगा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं इंटरेक्शन ए बी, देयर इज नो इंटरेक्शन, नो सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन। देन फैक्टर सी, there is no significant interaction in factor C, like in subplot, subsubplot. Then interaction A and C, that is main plot and between main plot and subsubplot, there is no interaction again. Then B and C means there is interaction between the subplot and subsubplot, there is no interaction. Again, interaction A, B, C, that is the total interaction between main plot, subplot and subsubplot. Their interaction exists. So 0.087 CD है. तो हमको क्या करना है? हमको चले जाना है ये जो A, B, C तीनों का मीन वैल्यू में। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू दोनों सीरीज में हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? यहाँ पे जैसे 0.667 है, 0.667 का जो कोड होगा क्या होगा? वो होगा A2, मतलब M2 B3 C2, राइट? M2 B3 C2, यानी कि हम लोग अगर जीरो टिलेज प्रैक्टिस करते हैं और उसमें हम लोग 60 केजी ऑफ नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं और C2 जैसे वैरायटी 2 लेते हैं, तो उसका सबसे हाईएस्ट होगा। लेकिन हम इसको हाईएस्ट कब बोलेंगे? हम इसको हाईएस्ट तब बोलेंगे अगर बाकी सारे ट्रीटमेंट, यहाँ पे जो भी सारे ट्रीटमेंट है, बाकी सारे ट्रीटमेंट या इस वैल्यू से सीडी को माइनस करने के बाद अगर बाकी सारे ट्रीटमेंट उससे भी कम में आता है, कम रेंज में, तो इसको हम बोलेंगे कि सिग्निफिकेंटली हायर है देन अदर ट्रीटमेंट्स। अगर हम सीडी वैल्यू यहाँ से माइनस करते हैं, कौन सी सीडी वैल्यू? ये जो इंटरेक्शन, तीनों इंटरेक्शन का जो सीडी वैल्यू है, कहाँ पे? ये 0.087। अगर इसको माइनस करने के बाद, अगर उसी वैल्यू जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है, उसी वैल्यू और ये जो हाईएस्ट वैल्यू है, इसके बीच में अगर कोई ट्रीटमेंट रहता है, जैसे ये सपोज रह सकता है और ये सपोज ये B3 वैल्यू ये रह सकता है, तो फिर ये वैल्यू अगर रहता है तो ये दोनों क्या होगा, इसके साथ 8 बार होगा, ये दोनों वैल्यू इसके साथ सिग्निफिकेंटली इससे लोअर नहीं होगा। और हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये तीनों के बीच में ये सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि वो लोग सिग्निफिकेंट नहीं है, वो तीनों डेटा, राइट? तो ऐसे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो गाइज, अगर और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये था एक ब्रीफ आइडिया अबाउट, एक स्टूडेंट ने पूछा था तो हम सोचे कि इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये था एक ब्रीफ आइडिया अबाउट हाउ टू एनालाइज थ्री फैक्टर एनालिसिस इन ओपी स्टार्ट। ओके, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे।